वेलकम टू गलित अंक। क्या हालचाल बच्चों? सबसे ज्यादा जिसका वेट था वो सीरीज का पहला एपिसोड आ रहा है। हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश सर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर जुगाड़ कब चालू होगा, कब आएगा। तो बच्चों आ गया है एपिसोड वन आज के सेशन में। इस सीरीज में क्या होने वाला है? हम जुगाड़ करने वाले हैं, राइट। बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स को बाईपास करते हुए कैसे हम क्वेश्चंस को देख के डायरेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग शॉर्टकट्स मिलेंगे, अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगे जो आप MHT, CET या JEE मेंस या NDA, BITSAT, मतलब सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप यूज कर सकते हो। बोर्ड्स में तो आपको स्टेप्स लिखनी होती है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ये टाइम सेव करने के लिए और बहुत सारे स्टेप्स को कम करने के लिए, बचाने के लिए ये आपकी मेथड बहुत सही रहेगी। तो हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश सर। बच्चों अगर अच्छे लग रहे हो वीडियोस तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट विल मेक मी सुपर हैप्पी बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते एपिसोड वन। मैंने सबसे पहले चैप्टर जो उठाया वो है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत फॉर्मूलेज है, अभी हमने जड़ी बूटी सीरीज में बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे, पर ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत फॉर्मूलेज, इतने फॉर्मूलेज की याद ही नहीं होते हमें, क्या करें सर क्या नहीं करें सर। तो इस एपिसोड में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो JEE मेंस में आए हुए हैं, MHT, CET में आए हुए हैं, और हम वो विदाउट फॉर्मूले जुगाड़ के साथ कैसे करते हैं वो बताने वाला हूं। तो एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे, राइट, और ट्रिक्स की ही बात होगी, तो कैसे हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और आने वाले एपिसोड्स भी ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग क्वेश्चंस पे बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ट्रिक्स पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश एपिसोड वन। तो बता लो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कौन से ईयर में आया हुआ है, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे? सर 2019 मेंस में आया हुआ है। यार बढ़िया ना, अभी मेंस में आया हुआ है। इनफैक्ट 20 और 21 के भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार सर बढ़िया है ना, मेंस के क्वेश्चंस अगर हम कर पाएंगे क्या बात है। तो क्या बोला यहाँ पे? अब बोला गया FK ऑफ x इज 1/k sin पावर kx + cos पावर kx फॉर k इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन, देन फॉर ऑल x व्हिच बिलोंग्स टू r। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन वो रियल होनी चाहिए बस। सो यहाँ पे जो दिया होता है ना, x कैन बी एनी रियल वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4 ऑफ x माइनस f ऑफ 6 ऑफ x। सर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? बच्चों लेट अस अज्यूम कि मुझे कोई फॉर्मूले नहीं आते, मैं बस आराम से सॉल्व करना चाहता हूँ। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, x को कोई भी ना तो जीरो अज्यूम कर लेता हूँ, एकदम सिंपल वैल्यू लेते हैं जीरो। जैसे ही मैंने x को जीरो किया तो साइन x cos x दिख रहा है आपको, तो साइन x क्या हो जाएगा बच्चों? साइन जीरो हो जाएगा, एंड विच इज नथिंग बट जीरो। cos x क्या होगा बेटा? cos x cos जीरो हो जाएगा, और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन, राइट। तो ये जो है ना x बिलोंग टू r, ये हमारे सबसे काम की बात है कि x कोई भी रियल नंबर। सर जीरो ही क्यों रखा? सर कोई और रख सकते हैं क्या? रख सकते हो आप, 30 डिग्री रख लो, 45 रख लो, 60 डिग्री रख लो, कोई भी रखो, लेकिन आंसर सेम ही आएगा हर एक से, बिकॉज एक्स इज एनी रियल वैल्यू। कोई भी रियल वैल्यू रखोगे आंसर वुड बी सेम। तो सबसे इजी वाला रख लो ना, तो मैंने एक्स को जीरो रखा, ठीक है, ओके सर। तो अब ये जो डेफिनेशन है एफ के ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा? 1/k। अब ये साइन वाला जो टर्म है यहाँ पे, साइन वाला जो टर्म है क्वेश्चन में, ऐसा है ना, ये साइन पावर के एक्स प्लस कॉस पावर के एक्स। तो बच्चों साइन की जगह तो जीरो आने वाला है, तो ये 1/k, साइन की जगह जीरो और कॉस की जगह वन आएगा, पावर में के रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर फोर एफ के ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1/k, है ना। ये बहुत अच्छी बात हमें समझ में आ गई, राइट, क्लियर है हमें, ठीक है। अब पूछा क्या है हमको? आप देखो एफ फोर ऑफ एक्स माइनस एफ सिक्स ऑफ एक्स, ये पूछा गया है। तो एफ फोर ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा? जहां के है वहां फोर लगाना है, तो 1/4 हो जाएगा। एफ सिक्स ऑफ एक्स, यहाँ k की जगह 6 रखना है बेटा, तो 1/6, तो इनका डिफरेंस निकालना है। एफ फोर ऑफ एक्स माइनस एफ सिक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6,
इतना आने के बाद बस एलसीएम करना है ना, 6 माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 इंटू 4, सो आंसर इज 2/24 विच इज 1/12। 1/12 आंसर है, देखे ऑप्शन में है भी या नहीं, तो 1/12 है क्या? यस सर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आई बात कैसे कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो आपने देखा क्या किया यहाँ पे, सबसे काम की बात थी x इज एनी रियल वैल्यू, तो हमने x को अज्यूम कर लिया, यही जुगाड़ है हमारा। इस जुगाड़ को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है ये? हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज जो भी क्वेश्चंस में देखूंगा दिखाऊंगा राइट, सब में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। वी कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, सर जीरो ही क्यों रखा? अगेन आई एम सेइंग, आप 30 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट इससे सबसे इजी हो रहा है। कौन सी वैल्यू रखने से बहुत इजी होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो x को जीरो रखने से साइन जीरो हो गया और कॉस वन हो गया, हमारा काम ही सर रिड्यूस हो गया, बहुत कम हो गया। कैसा लगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन भाई, क्या बढ़िया रहा है ना? तो लाइक बनता है, फटाफट लाइक बटन प्रेस करते रहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये भी बहुत अच्छा है, कंडीशनल आइडेंटिटीज पे है, एमएसटी सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी इज 270, कितना है 270, तीनों एंगल्स का एडिशन 270 होना चाहिए, फिर आपको ये पूछा गया है। अब तीनों एंगल का एडिशन 270, तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस ऐसी रखी है कि तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए 270। तो मैं क्या सोचता हूं, ए को 90 रख लेते हैं, बी को भी 90 रख लेते हैं और सी को भी 90 रख लेते हैं। देखा सब्स्टिट्यूट कर रहे ना हम कोई वैल्यू, सिर्फ ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें इन तीनों का एडिशन क्या है 270 होना चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे सर जीरो नहीं रख सकता क्या, राइट, जो रखना है रखिए, बट क्या होना चाहिए इनका एडिशन, क्योंकि जो दी हुई कंडीशन है वो फॉलो करते रहिए बस। तो ए प्लस बी प्लस सी 270 हो रहा है ना यहाँ, 270 तीनों का एडिशन, यस। अच्छा अगर ए को 90 रखा तो 2a कितना होगा बेटा 180, 2b कितना होगा 180 डिग्री एंड 2c कितना होगा ये भी 180 होगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 times साइन ए साइन बी साइन सी। ओके ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा कॉस 180 कितना होता है बच्चा लोग, पता है ना -1 है ना, और साइन 91 होता है, बात पता है। तो ये कॉस 2a मतलब कॉस 180। ओके फिर ये कॉस 180 अगर ऑब्जेक्टिव है तो इतनी स्टेप्स लिखना चाहिए क्या हमें? नहीं सर, 30 seconds का क्वेश्चन बन गया ये बस, अगर ऑब्जेक्टिव है तो, बट मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स लिख रहा हूँ, वैल्यूज लगा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -1, अगला भी -1, अगला भी -1, प्लस 4 इनटू ये 1 1 हो गया बेटा साइन, इट कम्स आउट टू बी -3 प्लस 4 व्हिच इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज ऑप्शन बी, कित कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिकम्स आवर आंसर, 1 हमारा आंसर है, समझे बच्चों? इजंट इट वेरी इजी, द रिक्वायरमेंट इज जो दिया हुआ है कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी 270। अगर आप 0 0 रखना चाहो तो रखो, लेकिन फिर थर्ड एंगल 270 हो जाएगा, एडिशन तीनों का 270 होना चाहिए, 45 45 फिर 180 रखना पड़ेगा, क्यों? एडिशन 270 होना चाहिए, राइट। सो मैंने 90 90 90 रखा जो सबसे ईजी है। सर आप 90 ही कैसे रख रहे हो? धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आपको भी समझ में आएगा कि यार ये 90 सबसे आसान वैल्यू था, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन अप्रोच कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया ना। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन, पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए। अगेन द एग्जाम्पल हियर इज साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ये है, अब यहां कोई भी थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, क्यों? कोई कंडीशन ही नहीं दी है। समझेगा कैसे आपको? क्वेश्चन में आप देखो थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा रिलेशन। कुछ बच्चे इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, फॉर्मूले अगर आपको पता हो तो यस इट कैन बी इजीली सॉल्व, बट अगर आप फॉर्मूले नहीं जानते, ये क्वेश्चन आ गया आपको, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी में, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया, इनफैक्ट जेईई मेंस भी बहुत पहले आया हुआ है बेटा ये, ठीक है। सो ये क्या करोगे आप, थीटा की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। कौन सी करे सर, 90 करना है 90 करो, 0 करना है 0 करो, राइट। तो लेटेस्ट से मैं 0 कर लेता हूं, आप 0 करो 90 करो द आंसर वुड बी सेम, 45 करो 30 करो कोई भी करो बट एक वैल्यू करो। तो मैं थीटा को 0 रख रहा हूं, तो बेटा साइन थीटा बन गया साइन 0 विच इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा बन गया कॉस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां पे भी साइन है वहां 0 और जहां जहां कॉस है वहां 1 रखना है आपको, तो क्या होगा 0
प्लस वन प्लस थ्री इंटू जीरो इंटू वन ना, ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू वन, है ना, ये तो जीरो हो गया ना पूरा, तो आंसर कम्स आउट बी वन, जो कि क्या है, ऑप्शन सी है ना। इजंट इट वेरी वेरी इजी बच्चों। तो देख रहे हो आप सब्स्टिट्यूशन अप्रोच कैसे वर्क कर रहा है, कितना आराम से समझेगा कैसे। एग्जाम्पल में थीटा पे कोई कंस्टेंट नहीं, कुछ कहा ही नहीं थीटा के बारे में, तो मतलब कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। ओके बच्चों, तो शॉर्टकट का ये पहला एपिसोड ना, तो तीन क्वेश्चन हमें देखिए कैसे जुगाड़ से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं स्टार क्वेश्चन कहूंगा। तो दिस इज अवर स्टार क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना, मेंस में 1995 में, बहुत पुराना है बट आया हुआ है। तो ये आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में लिखना है, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आया होगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। सो थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर 4 प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 2 प्लस 4 साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x इक्वल्स, यूज सब्स्टिट्यूशन। हाँ, एक्स पे कोई कंस्ट्रेंट है क्या बेटा? कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप एक्स की कोई वैल्यू ले सकते हो। आपको कौन सी लेना है आप डिसाइड करो, 0 लेना है, 45 लेना है, 30 लेना है, 60 लेना है, 90 लेना है, इट्स ऑल अप टू यू। सॉल्व करिए एंड गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। तो कैसा रहा ये पहला सेशन जुगाड़ का, समझ में आया, कुछ कुछ पता चला ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे हम आराम से कर सकते हैं? सीईटी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इस जुगाड़ से, और भी एपिसोड आते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड यस लाइक और शेयर पक्का करिएगा। थैंक यू। बच्चों, अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नून ऐप पे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नून ऐप में काफ़ी अलग अलग बैचेस, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हम रन करते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। फ्री है बहुत सारे कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज पेड भी है बहुत मिनिमम फीस के साथ। उमंग बैच इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रोज 8 बजे, 8 PM। तो प्लीज़ डाउनलोड द नून ऐप फॉर लाइव क्लासेस। व्हाट आर द स्टेप्स? तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यू नीड टू ज्वाइन द स्टडी ग्रुप बाय अंकुश सर, राइट। तो आप सर्च करोगे अंकुश झंवर फॉर मोर कोर्सेज इन दैट ऐप, और आपको मेरे सारे कोर्सेज दिखेंगे, क्लास 11th, क्लास 12th, फ्री, पेड, एवरीथिंग। तो गेट कनेक्टेड एज सून एज पॉसिबल एंड लेट्स गेट गोइंग। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।